और दोस्तों, राणा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन साइंस के लेकर आया हूं, जो रेलवे एग्ज़ाम और बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ामों में देखे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी रेलवे ग्रुप डी में हुए हैं 2018 में ऑनलाइन, उन्हीं में से छठे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होती हैं? तो ये अंडाशय में होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होता है? वो ATP होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से होते हैं? AGCL और AGBAR। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो यहाँ आपस में गुणा हो जाएगी इनकी, 40 जूल इसका आंसर होगा। वेग परिवर्तन बटे लगने वाला समय, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये त्वरण का होता है। ठीक है, एक वस्तु में 40 सेकंड में 30 मीटर और फिर 6 सेकंड में 70 मीटर की यात्रा करती है, वह तो वस्तु की औसत गति, तो कुल दूरी बटे कुल समय जोड़ देंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, डोब्राइन में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहले अवलोकन किया जाता है। ठीक है, वह कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? तो ये ओम का नियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति के ये वाला नियम नहीं बताया गया, बाकी तीनों बताए गए हैं इसमें। ओके, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो वो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर के बराबर होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो ये 48 ओम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये 4 होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मीटर प्रति सेकेंड -2 की घात निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई होती है? तो ये त्वरण की होती है। इसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? तो ये मोजले के नियम के अनुसार किया गया था। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों में बनी होती है? तो ये नाइक्रोम बनी होती है। प्रजनन उत्कों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। इतर बनाने के लिए ईस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? यह भी इम्पोर्टेंट है, फेलोपियन ट्यूब में। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? थैलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप। कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? तो ये एक्टिनाइड का। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, किस पर? फोकस पर। निम्नलिखित में से किस कथन से विभिन्न बातों में से 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में सत्य है? नंबर ऑप्शन ए है, ये स्टील में ध्वनि की चाल इतनी होती है,
बी निकल में धोनी की चाल इतनी होती है, तो इनमें कौन सा सत्य है? ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो ये दोहरा विस्थापन होता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर पकड़कर खींची जाती है तो उस पर कौन सा बल लागू होता है? तो उस पर खिंचाव बल लागू होता है। ठीक है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 μ होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ऑप्शन ये भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइट्स के बारे में गलत है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें इनमें से पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसमें आप देख सकते हैं शुक्रवाही का सामान्य मार्ग के लिए मूत्राशय से होकर जा आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है ऑप्शन बी मूत्रमार्ग। इनमें से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है? तो ये NP। ठीक है, इसको नेप्टूनियम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? 56। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सिल्वर का किया जाता है, Ag का। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तन्यता। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये AB दोनों दे रखे, दोनों सत्य हैं। ठीक है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन भी सही है, 4+ अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? 11+ जल। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, इन्हें कहा जाता है द्विमिकाएं। मेंडलीव की अवसारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? SCGA और GE की। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी गोली से कम? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? उच्छेप बटे क्षेत्रफल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये ऑप्शन सी सही है इसका, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर में, इम्पोर्टेंट है। निम्न से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? तो बल है। इनमें से देखिए, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से ली जाती है, तो वो होती है ऑप्शन बी मूत्रमार्ग। ठीक है, कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल। डॉगफिश एक सही मछली है। उत्तर दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। सेकंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इम्पोर्टेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा
ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। 7 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर दुगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है, तो 1.75 ओम। आधुनिक आवर्तसारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो ये समूह 18 के, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये सभी आते हैं। इनमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल समान बिंदु पर लगते हैं, ठीक, तो ये गलत है। तो कर्मागत, ऑप्शन डी, कर्मागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें वस्तु का आयतन। एम द्रव्यमान के वस्तु को भूस्तर से 4 हवर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो 4 MgH इसका आंसर होगा, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है? MgH होते हैं ना। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? तो वो लेड और टीन के संयोजन से बनता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर में। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबे का। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो जॉन डाल्टन ने। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? औसत गति। किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तरह सतह पर होते हैं, अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइजोबस। ऑप्शन बी, रक्त में तंतुमंत नहीं होते। इम्पोर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ भी चुका है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखता है? तो 35, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 35 किसका होता है? बेरिलियम का। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरोध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। एक वृत्ताकार पद में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समानुवृत्तीय गति। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं में कंपन होने पर। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड तैयार होता है। इनमें से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो साइटोकाइनिन। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया आयतन में आयनों को सांद्रता में कमी आ जाती है, तो तनुकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये ऊर्जा है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का। 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो 2 ओम इसका आंसर होगा। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त होता है।
निम्नलिखित में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मरोधी है? तो इसका ऑप्शन बी प्लास्टिक है, एवोनाइट, कपास, बेकलाइट, शुष्क हवा और रबड़। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन बी सी है इसका। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? डॉगफिश। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना होता है? तो 1 atm होता है। 1 joule/s किसके बराबर होता है? 1 watt के। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। आवर्ती बीजों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में से सबसे कम भार दिखाएगी? तो ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो जाए, मतलब मिल जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो पोटेशियम को। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। चौथे और पांचवे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? हेनरी क्विंडिस ने। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों गलत है इसमें, ए और बी। ठीक है, बारह किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊर्जाई पर स्थित है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है, तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? तो वही MgH वाला फॉर्मूला लगेगा, स्थिति ऊर्जा बराबर किसके होती है? MgH के। तो उसमें इसका सबके मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 cm। राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है इसका, पौधों की सहायता से यह अधिस्तर से जुड़ जाते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और पोटेशियम को भी ध्यान रखना। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु। ध्यान रखना, इसमें बहुत से बच्चे इसको परमाणु लगाते हैं जो कि गलत है, परमाणु से छोटा अणु होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। जब पौधों के भाग की वृद्धि या प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व कहाँ पाए जाएंगे? तीसरे आवर्त में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय का ग्राफ। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो धातु कहलाएगी अमलगम। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के आवेश प्रभावित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 44 जूल। ठीक है, एक गोलाकार दर्पण किसकी त्रिज्या आर है कि फोकस दूरी कितनी होती है? r/10। ठीक है, r/2। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? 440। शक्ति का ऐसा ही इकाई क्या है? वाट।
लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से कितना अधिक होता है? तो वो अधिक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें पुंकेश्वर अंडक का एक भाग नहीं है। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो 686 जूल। एम वो बड़ा वो लगा देंगे स्थिर ऊर्जा क्या बड़ा MgH होता है, वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होते हैं? या तो X होगा या Y का। ठीक है, पुरुषों में तो नर युग्मक जो होता है वो X या Y कोई सा भी हो सकता है। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो वो सोडियम का होता है। 5वां का धात्विक तत्व की क्या है इसका? ऑप्शन डी रुबिडियम। ये समीकरण दे रखी है Pb+CuCl2 बराबर में PbCl2+Cu। तो दी गई समीकरण कौन सी समीकरण कहलाती है, किसका उदाहरण है? ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मेंडलीव और सारणी में खोजे गए नए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था, इनमें से कौन से तत्व को बाद में आवर्तसारणी में एक स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो वो जी करता है। ठीक है, सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि? इसका ऑप्शन सी है इंटरमोलिक्यूलर बल के कारण होते हैं। ठीक है, 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? वो MgH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, 754.6 जूल। ठीक है, 6 जूल। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। तो ये आपके 125 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आप आगे क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पूरे 1000 क्वेश्चन की PDF है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।